बीएसपी के नगर सेवक और मनपा गट नेता अनिल भाऊ रामटेके की ओर से हनुमान जयंती की सभी चंद्रपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वंचित बहुजन अघाड़ी के विदर्भ समन्वयक और चंद्रपुर गढ़चिरौली प्रभारी श्री राजूभाऊ झोडे की ओर से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर के इतिहास में पहली बार चांदा फिल्म क्लब की स्थापना। आकांक्षी कलाकारों और इच्छुक कलाकारों को फिल्म के साथ साथ ग्रामीण कलाकारों में करियर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की जा रही है। इस फिल्म क्लब के माध्यम से विभिन्न विषयों पर संवाद, अभिनय, फिल्म निर्माण और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और विभिन्न गतिविधियों को फिल्म के माध्यम से लागू किया जाएगा। साथ ही फिल्म के माध्यम से युवाओं में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और मराठी फिल्मों को गुणवत्तापूर्ण विश्व सिनेमा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत 22 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक चंद्रपुर शहर में अभिनय और फिल्म निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशाला 15 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी खुली है। कार्यशाला फिल्म निर्माण की कला और तकनीकी संचालन और अभिनय प्रशिक्षण सीखने का अवसर प्रदान करेगी। जाने माने लेखक निर्देशक शैलेश भीमराव दुपारे कार्यशाला का मार्गदर्शन करेंगे। उनके पास पुणे से लेखन और निर्देशन की डिग्री है। साथ ही स्पंदन, नूर, नो स्मोकिंग जैसी लघु फिल्मों का निर्देशन किया गया है। इनकी मराठी फिल्म पल्याद जल्द ही आ रही है। साथ ही सुशील सहारे का मार्गदर्शन अभिनय कार्यशाला के लिए अमूल्य रहेगा। सुशील सहारे के पास मास्टर ऑफ डोमेस्टिक की डिग्री और लोक में मास्टर की डिग्री है। उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया और विभिन्न फिल्मों और नाटकों में अभिनय किया। कार्यशाला फिल्म निर्माण, छायांकन, संगीत रचना, संपादन, पटकथा, लेखन, लघु फिल्म निर्माण, मोबाइल फिल्म शूटिंग और अभिनय पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। कार्यशाला का आयोजन 22 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चंद्रपुर वरोरा नाका के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में किया गया है। फिल्म फिल्म की पूरी कहानी जो है किस प्रकार अंधविश्वास से जुड़ी है, इस पर आप क्या? सर, मेरा नाम शैलेश दुपारे है। पल्याड फिल्म का मैं राइटर और डायरेक्टर हूँ। मैंने ये कहानी मेरे सहयोगी लेखक सुदर्शन खंडागड़े के साथ लिखी है। पल्याड ये फिल्म एक प्रथा और परंपरा पे आधारित है, जो काफ़ी अघोरी जिसको बोलते हैं, जो कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर गांव पे ये देखी हुई एक प्रथा है, जिसको हम लोगों ने उस प्रथा पे हम लोगों ने फिल्म को एक कहानी का स्वरूप दिया है। पूरी फिल्म एक फिक्शन हम लोगों ने फिर लिखी है। पूरी फिल्म की पूरी फिल्म को हम लोगों ने सिंदेवाही के आजू बाजू के तहसील गांव में हम लोगों ने शूटिंग की है। फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पे देवेंद्र धोड़के सर, शशांक शेंडे, देविका दफ्तरदार और बाल कलाकार के रूप में रुचित निनावे और सह कलाकार के रूप में गजेश कांबळे, देवी साहिली देठे, गौरव कुमार पाटिल, ये सारे चंद्रपुर के स्थानीय कलाकारों ने काम किया है। ये फिल्म जैसे हम लोगों ने जैसे जिस तरह से बाहर के लोग हैं, वैसे ही यहाँ के स्थानीय कलाकारों ने भी फिल्म को साथ दिया है। फिल्म के निर्माता के तौर पे एलिवेट, ये जो चंद्रपुर की बहुत बड़ी कंपनी है, एलिवेट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के श्री पवन सादमवार सर और सुरेश सादमवार की एलिवेट फिल्म्स की फिल्म की कंपनी है, उसके अंतर्गत इस फिल्म का निर्माण किया है, जिसका लावण्य प्रिय आर्ट्स के साथ इसको सहयोग के साथ हम लोगों ने फिल्म की निर्मित की है। सर, पूरे महाराष्ट्र हो या अपना भारत हो या कहीं भी, या फिर ऐसी इतनी प्रथा परंपरा है कि हम लोग हर प्रथा परंपरा पे अगर हम लोग फिल्म बनाने जाए तो एक अलग सा फिल्म का टॉपिक होता है। लेकिन इस पल्याड के माध्यम से हम लोगों ने रूढ़ी परंपरा, शिक्षण, एजुकेशन, इस माध्यम पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है और हम लोगों ने कोशिश की है कि अंधश्रद्धा, जब हम लोग शिक्षित नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोग अंधश्रद्धा की ओर जा रहे हैं। हमारे में अंधश्रद्धा का अभाव है, शिक्षण का अभाव है। तो इस और दूसरा है टॉपिक नशा। तो हम लोगों ने इसी टॉपिक को हम इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की कि शिक्षित बनिए तो हम लोग अंधश्रद्धा और नशे से हम लोग दूर रह सकते हैं। नमस्कार, माझं नाव रुचित विलास निनावे, माझं वय 11 वर्ष, मी 7th क्लासला आहे। मला ही फिल्म खूप आवडली। फिल्मची स्टोरी खूप चांगली होती। मला फिल्ममध्ये काम करताना खूप मजा आली।
खूप काही शिकायला मिळालं. ॲक्टिंग कशी करायचं, कसं बोलायचं, आणि खूप मोठ्या मोठ्या ॲक्टरसोबत काम करायला मिळालं तर मला खूप मजा आली. नमस्कार, माझं नाव सायली देठे. माझा हा नवीनच पहिलाच चित्रपट आहे आणि या चित्रपटात काम करून मला खूप मजा आली. खरं तर सगळ्यात आधी या चित्रपटाचे डिरेक्टर शैलेश सर यांचं मी खूप आभार मानेन की माझ्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी मला ही संधी दिली. आणि चित्रपटात काम करत असताना पहिला चित्रपट असल्यामुळे थोडी नर्वसनेस होती, पण सगळ्यांनी खूप छान सांभाळून घेतलं. विशेष करून जे लीड कॅरेक्टर आहेत शशांक सर आणि देविका दत्ता दरम्यान, तर त्यांनी खूप छान कम्फर्ट देऊन आपल्या सोबतचे सीन खूप छान करून घेतले आणि या चित्रपटात खूप काही शिकायला मिळालं. त्यामुळे मी सगळ्यांचे आभार मानतो. थँक्यू.